हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव। एंड पिछले वीडियो में क्या किया था, पिछले वीडियो के अंदर अपन ने सिंपल राउटिंग पॉलिसी के बारे में देखा था। इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं वेटेज राउटिंग पॉलिसी के बारे में, ये क्या होती है और कहां इसको आप यूज़ कर सकते हैं और इसके बेनिफिट क्या क्या हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा वेटेज राउटिंग पॉलिसी के अंदर, यूँ मान लीजिए आपके पास आपका एप्लीकेशन है और उस एप्लीकेशन पे 1 लाख यूज़र आते हैं। जब आपके एप्लीकेशन पे 1 लाख यूज़र आते हैं और आज आ रहे हैं, अब कल क्या होगा, आपने ना आपके एप्लीकेशन को अपडेट कर दिया, बट अब आपने जब आपके एप्लीकेशन को अपडेट किया तो आप श्योर नहीं है कि ये कितना अच्छे से चल रहा है, इसकी टेस्टिंग कैसे हो, रियल इंफ्रा के अंदर रियल यूज़र उसको टेस्ट कर पाएं। तो आप क्या करोगे, आप कुछ ऐसा कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो कि इन 1 लाख यूज़र में से जो 1000 यूज़र जो भी रिक्वेस्ट करेंगे वो नए वेब सर्वर पे जाएगी या जो लेटेस्ट वर्जन होगा उस पे जाएगी, और बाकी के जो 99,000 यूज़र्स हैं वो पुराने वाले को ही एक्सेस करते रहेंगे। और जब अपने को लगेगा कि भाई अपना एप्लीकेशन इन 1000 यूज़र्स के लिए बहुत अच्छे से चल रहा है, तो अपन उसको 10,000 के लिए चला के देखेंगे, लगेगा 10,000 के लिए भी सही चल रहा है, तो फिर अपन 100% ट्रैफिक दूसरे वेब सर्वर पे भेजना स्टार्ट कर देंगे। तो इस केस में वेटेज राउटिंग पॉलिसी आपके यूज आ सकती है। करोगे कैसे इस चीज़ को, चलिए बता देता हूँ। रिकॉर्ड क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे यूँ मान लीजिए मेरे पास ये 2 वेब सर्वर्स हैं और मेरे को ऐसा चाहिए कि मेरे 60% यूज़र तो इस वेब सर्वर पे जाएं एंड 40% यूज़र इस वेब सर्वर पे जाएं। तो यहाँ पे weightest.learnwithgaurav.com एंड यहाँ पे देखिए मैंने राउटिंग पॉलिसी वेटेस्ट सिलेक्ट कर रखी है। अब यहाँ पे आप आईपी एड्रेस डाल सकते हैं, तो मैंने आईपी एड्रेस डाल दिया, मेरा पहला आईपी एड्रेस जो था, कॉपी किया इसको, पेस्ट कर दिया। अगेन TTL केवल 3 सेकंड डाल रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को डेमो दे रहा हूँ, बट आपको ये थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। एंड वेटेज कितना परसेंट जाएगा, यहाँ पे वेटेज मैंने लिख दिया 60% ट्रैफिक यहाँ पे जाएगा। एंड यहाँ पे ट्रैफिक जाएगा मतलब इसका मतलब ये नहीं है आप इसको कंपेयर करो लोड बैलेंसर से, मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर 100 क्वेरीज आई हैं तो 100 में से 60 क्वेरीज को ये वाला आईपी एड्रेस रिटर्न होगा। एंड हेल्थ चेक भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। या तो सिंपल राउटिंग पॉलिसी में आपके पास हेल्थ चेक का ऑप्शन नहीं था, बट आप देखो ये 188 वाला जो है ये आपका US वाला वेब सर्वर है, तो अपन ने एक हेल्थ पॉलिसी बनाई थी, याद है, US हेल्थ चेक। तो जब तक ये हेल्थ चेक हेल्थी है जब तक ही इसको रिजोल्व करेगा, नहीं तो ये नहीं करेगा। एंड यहाँ पे आप डाल सकते हैं US। एक और रिकॉर्ड ऐड कर देते हैं, सेम वही सब डोमेन मेरे को डालना है। एंड वैल्यू यहाँ पे आपको आपके दूसरे सर्वर का आईपी एड्रेस डाल देना है। मैं यहाँ पे आपको जो भी है मैं ए रिकॉर्ड के साथ करके बता रहा हूँ, बट आप दूसरे रिकॉर्ड्स के साथ भी चेक कर सकते हैं। अगेन TTL 3 सेकेंड एंड राउटिंग पॉलिसी वेटेस्ट एंड इसको अपन देने वाले हैं 40%। एंड ये जो है 243 ये है बॉम्बे रीजन, ये है मुंबई रीजन के अंदर, तो अपन मुंबई सेलेक्ट करते हैं यहाँ से एंड मुंबई लिख देते हैं यहाँ पे। आई मीन रिकॉर्ड आईडी आप कुछ भी डाल सकते हैं, मैं केवल रीजन का नेम वैसे ही डाल दे रहा हूँ यहाँ पे। एंड क्रिएट रिकॉर्ड पे मैं क्लिक करता हूँ। अब मैं कैसे वेरीफाई करूँ कि 40% के लिए तो वो ये वाला आईपी एड्रेस रिजोल्व करेगा एंड 60% के लिए वो ये वाला आईपी एड्रेस रिजोल्व करेगा। मैं क्या करता हूँ, बार बार NS लुकअप क्वेरीज मारता हूँ, DNS क्वेरीज मारता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे आपके डोमेन का नेम, एंड अभी आप देखिए इसने 243 वाले सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजी है, अभी देखिए इसने भेज दी 188 वाले वेब सर्वर के पास। वापस करता हूँ, वापस 188 188 188, ये देखिए 243। तो बेसिकली ये कर क्या रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है आपका ट्रैफिक। बट जब आपके पास एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन होता है, बहुत बड़े यूजर बेस होता है, तो आप ये 60-40 का रेशो नहीं खेलते हैं, वहाँ पे 99% और 1% का आपको रेशो खेलना रहेगा। एंड नो डाउट ये आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड होगा, हो सकता है कि आपको ऐसा हो कि आपको डायरेक्टली 50% यूजर पे ट्राई करना हो, देन आप उसके साइड भी जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में अपन ने देखा वेटेज राउटिंग पॉलिसी के बारे में। अच्छा, अब अपन क्या करते हैं, वेटेज राउटिंग पॉलिसी के अंदर अपने पास एक सर्वर है हेल्थ चेक के अंदर, देखिए ये जो सर्वर था ये अपना था US वाला, राइट, ये US वाला। मैं इस ये वाला जो अपना सर्वर है मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ बंद, और इस वेब सर्वर को सिलेक्ट करके इसका एंजिनिक सर्वर बंद कर देता हूँ जिससे हेल्थ चेक हो जाएगी डाउन। तो अगर अभी आप देखो तो आपको
243 भी रिजोल्व करके दे रहा था, ये 243 वाला आईपी एड्रेस भी रिजोल्व करके दे रहा था और 188 वाला आईपी एड्रेस भी रिजोल्व करके दे रहा था। बट अपन किसी भी एक को अनहेल्दी कर लेते हैं एंड देखते हैं फिर क्या होता है। ओके एंड अभी अपन अपना हेल्थ चेक यहाँ पे देखते हैं यूएस वाले के लिए। एंड अभी आप देखिए ये अनहेल्दी हो चुका है। अब अपन बार बार एनएस लुकअप्स मारते हैं और अपन देखते हैं कि अपने को क्या अभी भी अनहेल्दी जो आईपी एड्रेस था ये उसको रिजोल्व करके देगा क्या। तो अपना जो अनहेल्दी आईपी एड्रेस था उसका आईपी एड्रेस क्या था, उसके लास्ट में था 188। एंड अभी आप देखिए कुछ देर पहले इसने अपने को 188 करके दिया था ये रहा, राइट। चलिए अब अपन वापस से एनएस लुकअप्स मारना स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं बार बार इसको चला रहा हूं बट एक बार भी मेरे को अनहेल्दी रिक्वेस्ट अनहेल्दी इंस्टेंस का आईपी एड्रेस मेरे को एक बार भी नहीं मिला। तो आपने यहाँ पे हेल्थ चेक लगा दिया और अभी नहीं, मैं रात भर बैठा रहूंगा और रात भर भी मैंने एनएस लुकअप ट्राई किया तो भी मेरे को ये अनहेल्दी आईपी एड्रेस रिटर्न नहीं करेगा रेस्पॉन्स के अंदर। तो ये मैंने गलती से सिंपल वाले डाल दिए, मैं वापस से जाता हूँ। एंड देखिए सिंपल वाले के अंदर ये अभी भी 188 वाला रिटर्न कर रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई भी मैकेनिज्म है ही नहीं कि आप यहाँ पे चेक कर सके कि हेल्दी है या नहीं है। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही रहती है आप हमेशा जो आपके हेल्दी इंस्टेंसेस हैं वही आप क्वेरीज के अंदर रेस्पॉन्स दो। तो अभी आप देखिए इसके अंदर तो आएगा ही नहीं, ठीक है। अब मैं वापस से मेरा जो इंस्टेंस है मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ, वापस से वेट करते हैं इसके अप आने का, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे के सारे इंस्टेंसेस वापस से हेल्दी हो चुके हैं। एंड अभी मैं वापस से ट्राई करता हूँ, अब एनएस लुकअप्स वापस से चलाता हूँ मैं। ये देखिए 188 में तुरंत ही उसने कर दिया। एंड ये वापस 243 और एंड वापस से क्लियर स्क्रीन करके वापस से बताता हूँ आपको 243 एंड 188, राइट। तो सिंपल सा आप हेल्थ चेक भी ये लगा सकते हैं जिससे होगा क्या, जो हेल्दी आपके इंस्टेंस रहेंगे केवल उनके आईपी एड्रेस ही आगे जाएंगे, आगे सर्व होंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, अगले वीडियो में अपन बात करने वाले हैं जियो लोकेशन राउटिंग पॉलिसी के बारे में, ये क्या होता है और कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं ये चीज़ अपन देखने वाले हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।